सर्दियों के दौरान लहसुन के दाम में काफी बढ़ोतरी हुई है, जिस कारण लोगों का मंथली बजट बिगड़ चुका है। लहसुन के दाम में तेजी बढ़ोतरी के कारण खुदरा बाजार में इसकी कीमत 300 रुपए से 400 रुपए किलो हो चुकी है, जो कि थोक बाजार में इसकी कीमत 150 से 250 रुपए प्रति किलो है। लहसुन के अलावा चावल और दाल की कीमत में भी बढ़ोतरी देखी गई है, जिसने महंगाई को और बढ़ा दिया है। वहीं बीते दिनों प्याज के दाम भी लोगों को रुला रहे थे, लेकिन अभी प्याज की कीमत कम हुई है। खाद्य पदार्थों के दाम में बढ़ोतरी को लेकर कुछ रिपोर्ट का कहना है कि कटाई के मौसम में देरी के कारण खरीफ फसल की कीमत में बढ़ोतरी हुई है और अभी और बढ़ने की आशंका है। बेमौसम बारिश ने लहसुन और प्याज सप्लाई करने वाले क्षेत्रों को प्रभावित किया है। महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश जैसे प्रमुख उत्पादक राज्यों में बेमौसम बारिश के साथ ही मिट्टी की गुणवत्ता भी प्रभावित हुई है। इसके अलावा फसल की कटाई में भी देरी हुई है। समय से नई फसल बाजार में नहीं पहुंचने के कारण लहसुन की आपूर्ति कम हो गई है, जिस कारण इसके दाम बढ़ रहे हैं और अभी आगे बढ़ने की संभावना है। बाजार में अभी तक लहसुन की आपूर्ति पूरी नहीं हो पा रही है। ऐसे में कुछ व्यापारियों का कहना है जनवरी के अंत तक खुदरा कीमतें 250 से 350 रुपए प्रति किलो के आसपास रहने की संभावना है। बाजार में नई फसल आने के बाद लहसुन की कीमतों में सुधार होने की संभावना है। अगर आपूर्ति जल्द पूरी नहीं होती है तो ये कीमत मार्च तक ऊंचे रह सकते हैं। लहसुन की कीमत में लगातार बढ़ोतरी का मुख्य कारण लहसुन की एक फसल का खराब होना और दूसरी फसल की कटाई में लगातार देरी है। गौरतलब है कि लहसुन की पैदावार दो मौसम में खरीफ और रबी में होती है। खरीफ फसल का उत्पादन छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और राजस्थान में किसानों द्वारा किया जाता है। वहीं लहसुन की फसल की रोपाई का दूसरा चरण बिहार, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में होता है।